बेस्ट है, इन्होंने अपना घर के जैसे हम लोग को सहकार्य किया और हम लोग को जैसे कि अपने घर की बात बोलने को बोल दिया, दाल के कैसे क्या मसूड़े कैसे रखना है, उसके वजह से सिलसिले में मेरे को सब कुछ बता दिया। अच्छा, एकता मंच के लिए क्या कुछ बोला जाए? एकता मंच का तो मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि हर साल ये एकता प्रोग्राम 4-5 साल से आ रहा हूँ, इसलिए मैं उनका बहुत 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 आभारी हूँ। आप पिछले साल भी आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, तो आपको आँख के लिए आए थे, तो तब आपने आँख का जब इलाज कराया था तो आपको उसमें कितना आगे फायदा मिला? वो फायदा मिलने की वजह से मैं वापस आ रहा हूँ। आपको मतलब कि आँख का जब आपका किया गया अच्छा था, इसलिए मैं ये आते जाता हूँ। ओके, तो इस बार आप किस दांत के लिए दिखाने आए हैं और बाकी क्या दिखाने आए? दांत और आयुर्वेदिक के लिए। ओके, अपने बदन में कुछ आयुर्वेदिक का जैसे बिल्कुल उसके वजह से मैं आयुर्वेदिक। आपका मानना है कि जैसे उम्र आगे बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो वजह से मैं आयुर्वेदिक के पास है? यस, तो मतलब जैसे और भी बहुत सी बीमारियां आ रही हैं, तो इस तरीके का अगर प्रोग्राम होता है तो आपको कैसा लगता है कि लाइक नहीं ऐसा होना चाहिए या और भी बहुत सारा होना चाहिए? जन कल्याण के लिए बहुत सुविधा सही है, गरीबों के लिए बहुत सुविधा है, हर साल हो जाता है, लाखों हजारों लोग आके अपनी सुविधा का फायदा उठा लेते हैं। ओके, अभी जैसे ये जो प्रोग्राम है, ये जैसे कि आज के दिन होता है, तो क्या आप चाहते हैं कि ऐसे और भी बहुत से प्रोग्राम हर जगह पे हो? बहुत सारे हो गए, दिक्कत ही नहीं, सोने पे सुहागा हो जाएगा और गरीब लोगों के लिए थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा, शुक्रिया। इन्होंने आयोजित किया है उस बारे में इस तरह का कार्यक्रम कितना उपयोगी आम जनता के लिए? आम जनता के लिए तो उपयोगी है ही, कम से कम उनमें अवेयरनेस आ जाती है कि हमको ये काम करना है। हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट तो नहीं करते हैं लेकिन गाइड करते हैं उनको कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, ये एक्सरे करवाओ बाद में ट्रीटमेंट करवाओ, या किसी बच्चे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वायरिंग करवाओ, ये वो सब उनको धीरे धीरे करके समझा देते हैं और जो जिन लोगों को समझना होता है वो समझ जाते हैं। सर, आपसे जानना चाहिए सबसे ज़्यादा दांत के जो रोगी होते हैं वो किस प्रकार के रोगी होते हैं? सर, सबसे ज़्यादा लोग जो है ना दांत साफ नहीं करते, तो इसको बेसिक प्रॉब्लम ही समझा जाए कि दांत अगर आप साफ नहीं करेंगे तो आपके मुंह में बहुत मैल जमेगा, और मैल अगर जमता है आपका, एक सिंपल अगर लॉजिक में बोला जाए, जैसे कि आटा चक्की है, हर गुरुवार वो खोल के साफ करते हैं, राइट? तो हम हमारे दांत को कब कराते हैं? हम नहीं कराते, राइट? डॉक्टर के पास जाएंगे जब अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो दांत में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो दांत में खाना फंसने और गंदगी की आती है। तो अगर हर इंसान 6-6 महीने पर जाके डॉक्टर से मिले और अपने दांतों की सफाई कराता रहे तो बेटर रहता है, यू नो, लाइक वो गंदगी नहीं रहेगी तो दांतों के मसूड़े स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। कम से कम जो और बीमारियाँ कीड़े वगैरह लगने की होती है वो दांत साफ करने से ही काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सर, आज जितने भी है, सर आपसे जाऊंगा, आज नहीं मैं इनके इसमें ऐड करना चाहूंगा, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों दांत साफ करवाने नहीं जाते? हमारा एनामेल घिस जाएगा, जबकि उसमें एनामेल वगैरह घिसता नहीं है। हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो अल्ट्रासोनिक, बेस्ट क्वालिटी के अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो खाली कचरा निकालते हैं, दांत की एनामेल नहीं निकालते। उसका लाइव एग्जांपल है जैसे आप स्टोन की ट्रीटमेंट करते हैं तो किडनी इतनी सॉफ्ट है, स्टोन इतना हार्ड है, लेकिन वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से वो निकल जाता है लेकिन किडनी को कोई डैमेज नहीं होता है। उसी तरह से अगर ये करेंगे तो मसूड़ों को डैमेज नहीं होता लेकिन दांत साफ हो जाते हैं। और दांत अगर साफ हो जाते हैं तो वहाँ सूजन नहीं होगी तो वो दांत पकेंगे नहीं, वहाँ पे मसूड़े में कोई खून वन नहीं निकलेगा और सब हेल्दी रहे। और जो कंट्रीज हैं अब्रॉड वहाँ पे कंपलसरी है कि आपको 6 महीने में डेंटिस्ट के पास जाके दिखाना है दांत साफ करने हैं, नहीं तो अगर आप समझो 1 साल तक दांत साफ करवाने नहीं गए, 1 साल के बाद गए तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता, क्योंकि अल्टीमेटली वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक वजन पड़ता है प्रॉब्लम्स का। तो बेहतर है कि हमारा तो आप सभी को एक ही सलाह रहेगी आप सभी से कि आप सभी लोग डेंटिस्ट के पास विजिट जरूर करें, उनसे सलाह जरूर लें जाके एक बार। दांत साफ के लिए डॉक्टर ही सजेस्ट करेगा कि वेदर आपको उस टाइम पे जरूरत है नहीं है, बट हर 6 महीने आप जरूर जाएं डॉक्टर के पास में, दिखाएं एक बार। थैंक यू। कहना चाहेंगे एकता मंच ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है कितना कुछ लाभ आम जनता को होने वाला है? बहुत ज़्यादा हो
होता है। हरसल मैं आ रही हूँ 5 साल से, 4-5 हज़ार तो लोग आके जाते हैं मैडम। और यहाँ पे वैरायटी ऑफ है ना, तो ब्लड चेकिंग होता है, आई चेकअप होता है, मेडिसिन भी बहुत सारा रहता है, फिजियोथेरेपी, ईसीजी, जो नॉर्मली नहीं होता है ना वो एक जगह पे हो जाता है। ये आयुर्वेदिक के बारे में बताएंगे कि जो लोग पेशेंट यहाँ अच्छा सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का जो पेशेंट होगा कौन से आते हैं? आयुर्वेद का ये संधिवात के ज़्यादा रहते हैं और डायबिटीज़ के ज़्यादा आते हैं। अच्छा हाँ, तो उनके लिए मेडिसिन हम लोग लाते हैं तो दे देते हैं। अच्छा, ये फ्री देते हैं क्या? फ्री में देते हैं। अच्छा, फ्री है। हाँ, हमारा कॉलेज है साइन स्टेशन के पास में, साइन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल करके। अच्छा, तो वहाँ से सब टीम लेके आते हैं हम लोग 5 साल से और फ्री मेडिसिन देते हैं। अभी कोई पेशेंट नहीं है चारे, क्या कुछ बीमारियाँ हैं बताना चाहेंगे? नहीं, मेरे को हड्डी का पैर की तकलीफ है। तो उसका चेकअप कराने आए हैं, तो इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन करा ली? हाँ। अच्छा, अभी आओ चेकअप के लिए जाएंगे और आँख का चेकअप करवाना। इसके पहले कभी इस कैंप में आए थे? हमेशा था। तो उसके बाद जो पहली बार आए थे तो क्या चेकअप कराया था? कभी भी आँख का चेकअप और पैर का ही किया था। तो यहाँ जो सुविधाएं होती है वो सही है? सब सही है, अच्छे से मिलती है, डॉक्टर का जो व्यवहार होता है आपके सब सही है। ठीक है, ओके ओके। आपका बीमारी था क्या, रोग था जरा बताना चाहेंगे और उसका निवारण हुआ? खाली आँख का इसमें नहीं दिखता है। हाँ जी। और एक ही आँख में दिखता है। तो यहाँ चश्मा मिला उसका? मिला चश्मा। अच्छा, ना कमर दर्द का तो वो अब देखने का। तो चश्मे का पैसा लिया गया इधर से? नहीं नहीं, फ्री में हुआ है। सब फ्री में, फ्री में। अच्छा, ये जो एकता मंच ने जो कार्यक्रम किया इसका लाभ मिला? अच्छा। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जरा आप बताएंगे? एक्चुअली पहले क्या, उनको रजिस्ट्रेशन काउंटर पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऐसे सीधा उधर जाके चेकअप करना है, आई चेकअप करना है, डॉक्टर चेकअप करेंगे, उसके बाद उनको एक नंबर अलॉट किया जाएगा चश्मे का, दोनों आँखों का। वो इधर आके फिर उन्हें दिखा के वो चश्मा फ्री में देते हैं। तो ये जो एकता मंच ने जो कार्यक्रम कराया है इसका लाभ लोगों को मिलता है? हाँ, हर साल हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। और बहुत सारे लोग आते हैं और उसका बेनिफिट भी लेते हैं। थैंक यू। दैट इज रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, और हम जो कर रहे हैं वो डाइट का कर रहे हैं। सो डाइट हम इस हिसाब से देखते हैं कि लेकिन हम खाना अगर जितना चेंजेस कर सके हमारे खाने में तो उतने ही आपके मेडिसिन का रिडक्शन होता है। हाइपरटेंशन ले लो, डायबिटीज़ ले लो, अभी तो डायबिटीज़ रिवर्स भी कर सकते हैं ओनली विद डाइट। अच्छा, ये खाने के हिसाब से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं? Yes. बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं तो उनसे आप पैसा ले रहे हैं? नहीं, जो फ्री में। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये फ्री सेवा है? हाँ जी। अच्छा, ये जो एकता मंच ने जो कार्यक्रम किया है इसका लोगों को लाभ मिल रहा है? बहुत। मैं यहाँ से अभी ऑलमोस्ट ये मेरा 10वां साल है यहाँ पे मैं यू नो सर्व कर रही हूँ सोसाइटी को। तो एकता मंच का ये जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत सारे नीडफुल लोगों को हेल्प हो जाती है यहाँ। आपका क्या लाभ, आपको पैसे नहीं मिलते पर यहाँ पे मेरे को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना सोसाइटी को हेल्प करके। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो थेरेपी है क्या चीज़ है आप जो कर रहे हैं इसको? ये जो कर रहे हैं अपना एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है। हाँ। जो भी अपना पर्टिकुलर जो पॉइंट रहता है। हाँ। वो पॉइंट को हम लोग दबाते हैं। हाँ। उसको एक्टिवेट करके उनको उसका रिलीफ मिलते हैं, जो तकलीफ है उनको आराम मिलता है, इसीलिए एक्यूप्रेशर थेरेपी बोलते हैं इसे। अच्छा, एक्यूप्रेशर थेरेपी, इससे लोगों का इलाज हो जाता है? कौन कौन से इलाज होते हैं, कौन कौन सा रोग होगा जाता है? यहाँ से बहुत रोग से उसके ऊपर इलाज होता है, उसमें अस्थमा रहेगा, दमा रहेगा, या अपना कुछ अभी उनको आँखों को तकलीफ है, थोड़ा आँखों में प्रॉब्लम था। हाँ। तो उसके लिए आँखों का भी पॉइंट देके उनको रिलीफ हो गया, तो अभी उनको थोड़ा आराम लग रहा है सर। अच्छा, ये सारे ये हाथों में जो पॉइंट्स होते हैं और पैरों के पॉइंट्स? हाँ, पैरों का भी पॉइंट हाथों में रहता है और हाथों का भी पैरों में रहता है। यहाँ से आप उसे ठीक कर लेते? ठीक कर देते हैं, पर्टिकुलर में पॉइंट को दबाने से अच्छा हाथों में हम लोग ट्रीटमेंट करके उनको रिलीफ कर देते हैं। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, ये जो थेरेपी हो रहा है कुछ आपको महसूस हो रहा है? काफ़ी पेन रिलीफ हो रहा है। पेन रिलीफ हो रहा है, क्या पेन था? जी, यहाँ पे आँखों की तरफ से ना पेन था। अच्छा, वो भी काफ़ी रिलीफ लग रहा है। अच्छा, इससे रिलीफ हो रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और थोड़ा सा भ्रमित भी है कुछ लोग सारी दवाई को लेके, इसके अंदर जो है जो एनिमल्स होते हैं
उसका कुछ यूज किया जाता है थोड़ा सा कुछ ठीक ठीक आपको कुछ बिल्कुल हम बतलाएंगे आपको। देखिए जैसे कि मैंने अभी और थोड़ी देर पहले भी कहा कि यूनानी जो पेथी है ये भारत की सभ्यता का भारत के कल्चरल का एक इंटीग्रल पार्ट है। पिछले करीबन जो है हजारों सालों से वो यूनानी मेडिसिन औषध जो है वो भारत के कम्युनिटी के अंदर जो है लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। 80-85% इसके जो कंपोनेंट है वो हर्बल सोर्स से हैं, 10% सोर्सेज जो हैं इसके वो मिनरल ओरिजिन की दवाएं होती हैं, 5% कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो एनिमल सोर्सेज से होती हैं। आप देखेंगे कि एनिमल जो सोर्स हैं उसमें ऐसा नहीं है, जैसे अभी हमारे पास एक लीचिंग एक प्रोसेस है, जड़ू जिसको बोलते हैं मराठी में, लीच एक कीड़ा होता है जो ब्लड सकर होता है, तो ब्लड जो वो सक करता है तो वो उसका एक्सटर्नल यूज है। अब आप डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वेरिकोस या वेरिकोस अल्सर या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी उसमें मॉडर्न भी उसको इस्तेमाल करती है एलोपैथिक सिस्टम, और आयुर्वेद में भी उसका इस्तेमाल होता है। तो इस किस्म के जो एनिमल सोर्सेज के जो यूजेज है दवाओं में वो इस प्रकार के हैं। कुछ जो फॉर्मुलेशन में है जैसे अभी मिल्क है तो मिल्क भी तो ओरिजिनल एनिमल ओरिजिन है, घी है तो घी भी एनिमल ओरिजिन है। तो इस किस्म की दवाओं की जो कंपाउंडिंग और फॉर्मुलेशन है उसमें इस किस्म की कुछ दवाएं जो है वो औषध यूज होती है, जो कि मतलब 99% तबका जो है कम्युनिटी हमारी यूज करती है। तो इससे जो है कुछ भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है कि यूनानी कोई अलग दुनिया से आई है और इसमें जो है वो दवाएं हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज कई एक दवाएं जो है यूनानी की जो है वो कम्युनिटी के अंदर राइज है और कम्युनिटी उसको जो है बहुत शौक से जो है उसका इस्तेमाल करती है। माजून पाउडर्स कैप्सूल्स टैबलेट कुर्स अलग अलग किस्म के ऑयल्स शरबत डिकॉक्शंस पूरे कोविड एरा में जो है यूनानी का जो है काढ़ा या जोशांदा जो है वो इतना अबेंडेंस लोगों ने यूज़ किया है और उसके फ़ायदे भी कम्युनिटी में देखने को मिले हैं। तो जिससे ये समझ में आता है कि कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट करती है और कुछ परसेंट देखिए 1-2% का जो है वो कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। इंडिविजुअल किसी की राय किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हो सकती है तो वो उसका अपना एक इंडिविजुअल एक्ट है, ना कि एज ए होल उसको हम कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट कर सकते। मैं अभी तक जहाँ भी जो स्वास्थ्य शिविर होगा हेल्थ शिविर होगा मैं गया हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने जो है यूनानी का शिविर देखा है जो पद्धति है। तो एकता मंच द्वारा जो ये यूनानी दवाई का जो प्रचार प्रसार हो रहा है तो कितना कारगर साबित होगा? डेफिनेटली आप पेशेंट से खुद इसका फीडबैक ले सकते हैं। एकता मंच जो है अजय कौल सर से हमारे जो इंस्टीट्यूट एंड ह्यूमन इस्लाम का डॉक्टर MIJT यूनानी मेडिकल कॉलेज वो काफ़ी पहले से अजय कौल सर और हमारे जो अध्यक्ष हैं अंजुमन इस्लाम के डॉक्टर ज़हीरा इकाजी साहब इनके कोलैबोरेशन में एकता मंच जब भी कैंप करता है वो यूनानी प्रणाली को जो है वो आमंत्रित करता है और यूनानी प्रणाली जो आकर अपने यहाँ पर सेवा प्रदान करती है। इस तरीके से हमारे ये जो शिविर हैं वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग गाँव के लेवल पर कम्युनिटी लेवल पर होते रहते हैं और जहाँ भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है हम कम्युनिटी में जाकर जो है इसकी सेवा जो है वो अर्जित करते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे आप मतलब किस प्रकार की दवाइयाँ या किस प्रकार की पद्धति से यूनानी जो पद्धति से आप जो दवाइयाँ यूज कर रहे हैं कितना कारगर आपके स्वास्थ्य के ऊपर हो रहा है थोड़ा सा दर्शक बताएं। देखिए पिछले 41 सालों से मुझे डायबिटीज़ का मर्ज है और पहले दिन से 3 इंजेक्शन मुझे एडवाइस किए गए और साथ ही टैबलेट वगैरह, और आज 41 साल से मैं रोज़ के 3 इंजेक्शन लेता हूँ, गोलियाँ तो देता हूँ वो अलग, और इस डायबिटीज़ के मर्ज़ ने मुझे पूरा अंदर से खोखला कर दिया और आखिर में अभी लास्टली ये स्पाइन का प्रॉब्लम शुरू हो गया। एलोपैथिक ले लेके मैं परेशान हो गया था, तंग आ गया था, रोज़ सुबह 10-12 गोलियाँ सामने आए तो एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा सारी चीज़ें फेंक दूँ उठाकर, जो होना वो होगा। किसी ने डॉक्टर साहब का मशवरा दिया कि आप डॉक्टर कैसर खान से क्यों नहीं मिलते हैं, इनका नाम तो बहुत पहले से मैंने सुना था और मेरे घर के काफ़ी करीब है, तो मैंने कहा ये तो अजब की बात है, चिराग तक अंधेरा, बाजू में डॉक्टर साहब है और मैं इनके इलाज से मुस्तफीज़ नहीं हो रहा हूँ। मैं गया इनके पास,
पहली बार में ही जो इन्होंने दवाइयाँ लिख कर दी, हालांकि इन्होंने कहा कि आप जो दूसरी दवाइयाँ लेते हैं वो जारी रखिए और साथ ही साथ ये भी लीजिए और 8 दिन के बाद मुझे बताइए। और आप यकीन मानिए कि डायबिटीज़ के लिए जो गोलियाँ दी, मेरा शुगर का लेवल कम होना शुरू हो गया और साथ ही साथ जो इंजेक्शन का डोज हुआ वो भी कम होना शुरू हो गया। अब सर मैं ये जानना चाहूँगा, आपने दवाइयाँ शुरू की, आपको असर दिया, लाभ होना शुरू हुआ, अब कंपेयर होता हमारा जो हमारी जो भारतीय लोग हैं जो इंडियन लोग हैं उनकी जो सोच है ना, पैसे में भी आगे दिख जाते हैं, पैसे के मामले में कितना मतलब अब वो महंगी है या ये महंगा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, महंगा एक बार का रोना, सस्ता रोज़ का रोना। हो सकता है कि यूनानी दवाएं थोड़ी सी महंगी होती है, और क्यों महंगी होती है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है यूनानी दवाओं में मोती, सोना, चांदी ऐसी सारी चीज़ें इस्तेमाल होती है। डॉक्टर साहब तस्दीक करेंगे इस बात की कि मैं मैं बतलाता हूँ, इसमें ऐसा नहीं है, यूनानी की दवाएं सस्ती से सस्ती भी हैं और महंगी से महंगी भी हैं। आप देखेंगे मॉडर्न सिस्टम भी आज इलाज जो है वो कोई सस्ता या कोई डोर स्टेप पर अवेलेबल नहीं है। सरकारी लेवल पर जो सेवाएं अर्जित की जाती हैं उसको भी आप देखेंगे तो वहाँ पर एक लेवल तक की सर्विसेज जो है वो फ्री या रीजनेबल है, अदरवाइज बड़ी सर्विसेज जो हैं वो भी सेंट्रल फंडिंग के साथ जो है वो सस्ती होती है। ठीक है ना सर, अलग अलग आयुष्मान भारत स्कीम और प्राइम मिनिस्टर स्कीम और फलां स्कीम के तहत जो है वो बड़ी बड़ी सेवाएं जो फ्री या अफोर्डेबल हो रही हैं वो भी कोई सस्ती चीज़ें नहीं हैं। रहा सवाल यूनानी का, तो यूनानी में हमारे पास भी बहुत सस्ती सस्ती दवाइयाँ भी हैं, लेकिन अभी डिपेंड करता है पेशेंट की चॉइस और एक हर आदमी का अपना एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, उसका स्ट्रेटा है सोसाइटी में, तो वो चीज़ें भी इलाज में बहसियत डॉक्टर हमको जो है वो सिखाई भी जाती है। अभी एक पेशेंट है उसको जो है वो 2 रुपए की दवा से काम चलता है, लेकिन अब उसका लेवल ऑफ थिंकिंग इंटरनल ये है कि नहीं यार मुझे कुछ अच्छी से अच्छी दवाएं लिखें, तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल डॉक्टर की विजडम के ऊपर और पेशेंट के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर। दवाएं हर कॉस्ट में अवेलेबल है यूनानी में और सस्ते से सस्ता इलाज भी उपलब्ध है, सब्जेक्ट टू योर एक्सेप्टेंस और आपके एफिकेसी के ऊपर। डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी मालूम थी जी सर, सोना चांदी कई कार्यक्रम एकता मंच की तरफ से हर साल 24 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर अजय कॉल सर इतने बड़े वैद्यकीय शिविर का, मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो साल भर में अलग अलग प्रकार के उपक्रम जो अजय कॉल सर जो इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें से ये भी एक उपक्रम है और सही मायने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को आत्मसात करके समाज में उसको एग्जीक्यूट करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये काम जो है वो अजय कॉल सर करते हैं। हम उन्हें इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर और उनके बहुत सारे दूसरे जो उपक्रम चलते हैं उन उपक्रमों के शुभ अवसर पर भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। कल से अजय कॉल सर और एकता मंच जो है वो मेडिकल कैंप का, इस तरह का भव्य मेडिकल कैंप का आयोजन करता है और ये सिर्फ अजय कॉल सर सिर्फ ये मेडिकल कैंप ही नहीं बल्कि साल भर वो लोगों की सेवा में इसी तरह लगे रहते हैं और हम कभी कभी ये सोचते रहते कि इतनी ताकत और इतनी शक्ति एक इंसान में आती कहाँ से है। तो ये इनका जो समाज के प्रति प्यार है, जो सर्वधर्मीय समभाव का जो उनका जो जो पाथ है जो इस पर वो चलते हैं ये उसी से उनको मिलता है और मुझे बहुत ही खुशी होती है हर वक्त अजय कॉल सर लोगों के बारे में सोचते हैं और अब इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे और हम यही दुआ करेंगे कि अजय कॉल सर को लंबा आरोग्य, लंबी हेल्थ और अच्छी सेहत मिले ताकि वो लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहे और लोगों की ज़िंदगी के अंदर इसी तरह से एक किसी न किसी तरह जुड़े रहे लोगों से। उनके जो सौगात लड़के के मेमोरी में ये मेडिकल कैंप रखा है, गए 15 साल से यहाँ पे मेडिकल कैंप होता है। अजय कॉल सर एक शिक्षण महर्षि है और सामाजिक क्षेत्र में लोगों को, गरीब टप्पे को अपनी सेवा देते हैं और उनके साथ प्रशांत काशी सर जी है, उनके बैकबोन है। आज इतने बड़े पैमाने में जो मेडिकल कैंप होता है जिसमें 19 डिसीज के बारे में डॉक्टर्स उपलब्ध है, मैंने देखा नहीं कि इस ज़िले में या मुंबई शहर में इतने बड़े पैमाने में मेडिकल कैंप की सेवा लोगों को मिलती है। और दूसरा कि यहाँ पे
ये अंधेरी वेश के जो जनता है वो उसका लाभ उठाए, कम से कम 1500 से 2000 पेशेंट इसका लाभ उठाते। अजय कौल सर जी ने शिक्षण एजुकेशन क्षेत्र में तो बहुत सारी कामें लोगों को दिए, इस क्षेत्र में लॉ कॉलेज बोलो और एजुकेशन क्षेत्र में लोगों को शिक्षण देने का बहुत बड़ा काम अजय कौल सर जी ने किया है। और उनके साथ प्रशांत काशी सर भी है, और जो एक शिक्षण महर्षि होने के बाद हमने पूरे इस देश में, इस राज्य में, इस शहर में देखा है कि जो एजुकेशन फील्ड में जो रहते हैं वो समाज सेवा नहीं करते, वो खाली अपनी शिक्षण संस्था देखते हैं, बस लोगों को पढ़ाने का काम और घर पे जाने का काम करें। लेकिन अजय कौल सर और प्रशांत काशी सर ये लोगों को, समाज को देने का काम करते हैं। हर सब्जेक्ट में देखे, कोविड काल में देखो, कोविड में उन्होंने इतनी लोगों की सेवा की कि आज इस वेश के लोग भी उनको मानने लगे। फिर मेडिकल के कैंप के थ्रू वो लोगों की सेवा करते हैं, जब भी बाढ़ आती है इस महाराष्ट्र राज्य में तो उनको मदद करते हैं। ऐसे मदद करने वाले इंसान ये बहुत कम मिलते हैं। मैंने अभी मेरे स्पीच में भी बोला कि राज्य शासन को, अमित साटम जी यहाँ पे आए थे मेले, उनकी गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, तो मैंने उनको विनती किया हूँ कि ऐसे अजय कौल सर जी को, जो शिक्षण मर्षी है और समाज को कुछ सामाजिक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको पद्मश्री या पद्म भूषण देने का सिफारिश राज्य शासन की तरफ से केंद्र शासन को करना चाहिए। और आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचार अजय कौल सर, प्रशांत काशी सर लेके इस मुंबई शहर के लोगों को कुछ ना कुछ अपने हिसाब से देने का काम, सामाजिक क्षेत्र में देने का काम, समाज को देने का काम अजय कौल सर और प्रशांत काशी सर करते हैं। आज के इस मेडिकल कैंप के उपलक्ष्य में मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। धन्यवाद। चेकअप हो रहा है और इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? सर्वप्रथम तर मी आज परम पूज्य बाबासाहेब डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना नमस्कार करतो की आज त्यांचं 14 एप्रिल हा खूप मोठा दिवस आहे, आणि जे आपले एकता मंचतर्फे हा जो कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, हे अजय कौल सर आणि आमचे प्रशांत काशी साहेब ह्या दोघांचं हे आजचं नाही आहे, वर्षानुवर्ष जे कार्यक्रम आयोजित केले जातात, दरवर्षी ह्यांची जी संख्या आहे ती वाढत जाते। पेशंट लोकांना जे गरजू आहेत, आपण बघाल की कुपरला जातात लोक किंवा ट्रामाला जातात, तिकडे जेवढ्या सोयीसुविधा सरकार किंवा BMC ने करून दिल्या पाहिजेत तेवढ्या उपलब्ध नाही आहेत, आणि अशा वेळी आज अजय कौल सर शिक्षण महर्षी म्हणून आपल्या पूर्ण उपनगरामध्ये परिचित आहेत, परंतु आरोग्यसेवक म्हणून ही त्यांची वेगळी कामगिरी आपल्या सर्वांना उठून दिसून येते। त्यांच्यासारखे लोक समाजात अजून 10 अजय कौल जरी आले तरी कमी पडतील, कारण या एरियाला तेवढी त्यांचं महत्त्व आहे। 10 आले तरी कमी पडतील पण एकच कोर्स आहे म्हणजे त्यांचं एवढं कामगिरी। डॉक्टर साहब का लेते डॉक्टर तरफ से अजय कौल साहब को और प्रशांत काशी साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वो इतने बड़े पैमाने के कैंप किया है, और इस कैंप का लोकल पब्लिक को जो बेनिफिट हो रहा है और आगे जाके भी जो फायदा होने वाला, और ये 15 साल से जो कार्य करे बहुत विस्मरणीय कार्य है। मैंने 200-400 कैंप के ऊपर बहुत सारे और हर एक पॉलिटिकल कैंप किया है, लोकल कैंप किया है, पर ये अरेंजमेंट और ये जो सर्विस पेशेंट्स को मिल रही है और कैंप होने के बाद भी जो उनको सर्विस मिलती है हॉस्पिटल्स के थ्रू, तो बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ही कैंप करते रहे, इनका ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर बना रहे, और हमारी जब जब जरूरत पड़े हॉस्पिटल की और डॉक्टर की, हम सब लोग इनके लिए रेडी है, और आप इनको लाख लाख शुभेच्छा देते हैं कि ऐसे ही सबका ब्लेसिंग करते रहे और अच्छा काम करते।
जो काम एकता मंच इस कैंप के जरिए कर रही है वो हर साल बढ़ता जा रहा है। लोगों को इससे जो फायदा हो रहा है वो एक दिन में नहीं दिखाई देगा, वो चलता रहता है। यहाँ पे डिटेक्शन होता है और उसके बाद में जो जिन लोगों को आगे के इलाज की ज़रूरत है उनका इलाज आगे चलता रहता है। अजय सर ने ये जो शुरू किया है इसके पीछे मकसद यही है कि लोगों को इस इलाके के इससे यहाँ से दूर काफ़ी लोग काफ़ी दूर दूर से भी आए हुए हैं तो और जितनी स्पेशलिटीज़ यहाँ पर हैं शायद किसी बड़े हॉस्पिटल में भी आपको एक साथ में इतनी स्पेशलिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो वो सब स्पेशलिटीज़ का इस्तेमाल करके लोग यहाँ से जो फ़ायदा उठा रहे हैं अजय सर प्रशांत और पूरी टीम जो है हमारी इसी काम के लिए लगे हुए हैं कि लोगों को इसका फायदा होता रहे और ये काम हमेशा चलता रहे। लेट्स प्रे के वी आर एबल टू स्प्रेड दिस मैसेज ऑफ हेल्थ इन द सोसाइटी थ्रू अजय कौल सर एंड एकता मंच। थैंक यू प्यार का सौगात के कार्यक्रम एकता मंच के माध्यम से बहुत से सामाजिक उपक्रम ये खाली वर्सोवा में नहीं ये पूरे मुंबई सबब के जो भी पूरा ज़िला है उसके अंदर होते हैं और जहाँ जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग रहते हैं वहाँ वहाँ पे उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी करने का काम एकता मंच के माध्यम से होता है। आज यहाँ पे बड़े पैमाने में बहुत बड़ा मेडिकल कैंप रखा गया है एकदम वेल ऑर्गेनाइज नहीं खाली दिखने में बड़ा नहीं दिखने भी बड़ा है लोगों का पार्टिसिपेशन भी बड़ा है और इसके अंदर जो सुविधा दी जा रही वो भी बड़ी है वो मेरे ख्याल से उसकी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आने वाले एक एक व्यक्ति का यहाँ पे ख्याल रखा जाता है उसको रजिस्ट्रेशन करने से उसका एंड जो उनका काउंटर है वहाँ लाने तक और वहाँ से पलब तक और मेरे ख्याल से वॉलेंटियर्स जो है सर के वो जगह जगह जो भी बुज़ुर्ग है जो भी महिला वर्ग है जो भी छोटे लोग हैं उनकी भी ख्याल रख रहे हैं पानी चाहिए बैठने की जगह चाहिए खाना चाहिए वो सब देखा जा रहा है और मेरे ख्याल से एकता मंच के माध्यम से ऐसे कार्यक्रम होते रहे और यही मेरे ख्याल से यहाँ के जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरत है और ये ज़रूरत पूरा करने का काम अजय सर और उनकी पूरी टीम करते हैं उनका मुझे अभिमान है। अजय सर के बारे में अगर एक लाइन में कुछ बोलना रहे तो क्या बोलना? अजय सर सबके है सबके अजय सर है जो साई ने जो हमको ये दिया है अरे क्या बात कि जो भी ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करो क्या बात वो जो सेवा करने का मंत्र मेरे ख्याल से पूरे पूर 100% अजय सर ने उठाया है और ऐसे ही उनकी सेवा रहती है वो सेवा जब भी देते हैं तभी कुछ रिटर्न में कोई अपेक्षा नहीं करते कुछ भी अपेक्षा नहीं करते क्योंकि वो राजनीतिक नहीं है फिर भी कभी कभी उनको जब भी तकलीफ होती है ना तो हमें बुरा लगता है कि ऐसे काम करने वाले आदमी को भी अगर तकलीफ होती है तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इस राजनीति में और उसको बदलना चाहिए ऐसी मेरी यहाँ से सबको विनंती है। पिछले 15 साल से हर साल इस कैंप का ऑर्गेनाइजेशन होता है तो कैसे क्या कहेंगे 15 साल के बारे में? 15 साल में मैं बहुत सालों से यहाँ पे प्रोग्राम में आता हूँ दिन बदन जो प्रोग्राम है वो भी अच्छी तरीके से आयोजन होता है पार्टिसिपेंट जो रहते हैं उनको जो ज़रूरतमंद रहते हैं उनकी भी तो यहाँ पे ज़्यादा तो ये बढ़ गई है तो आयोजन अच्छा है और अलग अलग काम अभी मेरे को एक बात बताई कि कोविड हो गया था कोविड में सबको प्रॉब्लम थी कोविड में प्रॉब्लम होने के बाद में लोगों ने अपने अपने बच्चों को एक तो ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा दी लेकिन पेरेंट्स को मेरे ख्याल से पैसे नहीं थे क्योंकि उनकी नौकरियां चली गई थी उनके रोजी रोटी बंद हो गई थी अपने अपने खाना कैसे खाए खाने की मोहताज थी उस टाइम पे मुझे मालूम नहीं देश भर में क्या हो गया लेकिन हमारे उत्तर पश्चिम जिले के हमारे वर्सोवा के ये अजय सर ने पूरे उनके जो स्टूडेंट्स थे वो पूरा स्टूडेंट्स का उनका फी माफ़ कर दिया और उसके बावजूद जिसको जो लगा वो भी उनके माध्यम से देने की कोशिश की ये बहुत बड़ा काम है उनका बहुत बड़ा काम है। एकता मंच को सबसे पहले मैं बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो हर बार हर महीने कुछ ना कुछ नई चीज़ों के साथ में आते हैं प्रशांत सर अजय सर के साथ में मैं काफ़ी सालों से ऑलमोस्ट 20 साल से जुड़ा हूँ तो वो उन्होंने जो वातावरण रखा है जो गरीबों के लिए जो मदद करते हैं जो लोगों के लिए आके यू नो कभी बेंच देना कभी मेडिकल कैंप कोरोना के टाइम पर इतनी मदद करना फ्री मेडिकल चेकअप इतनी सारी चीज़ें मुझे लगता है हर 3 महीने में एक एक ब्लड डोनेशन कैंप्स होता है तो
ऐसे लोगों के साथ में जुड़ना मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस करता हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला हमेशा उनको इतना दे कि वो गरीबों की मदद के लिए ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे।